आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड शाम की खबरें। राज्यपाल ने भगवान बद्री विशाल के किए दर्शन, बद्रीनाथ धाम मास्टर प्लान के कार्यों को लेकर जताई खुशी। केदारनाथ धाम के बाद बद्रीनाथ धाम पहुंचे राज्यपाल गुरमीत सिंह, भगवान बद्री विशाल के किए दर्शन। शेयर बाजार के नाम पर ठगने वाले नटवरलाल भाइयों की जोड़ी अरेस्ट, लोगों के 30 करोड़ हड़पने का आरोप। उत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स को मिली बड़ी कामयाबी, 30 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के आरोप में दो भाई गिरफ्तार। केदारनाथ उपचुनाव भाजपा कांग्रेस समेत 4 प्रत्याशियों ने किया नामांकन, जीत का किया दावा। उखीमठ तहसील में केदारनाथ उपचुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस समेत 4 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। छात्र संघ चुनावों की मांग को लेकर रानीखेत पीजी कॉलेज में आमरण अनशन शुरू, शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने हाल ही में प्रदेश में छात्र संघ चुनाव को लेकर बड़ा फैसला दिया था। शिक्षक भर्ती में चयनित 50 से ज्यादा महिला अभ्यर्थियों को लगेगा झटका, चयन होगा रद्द, ये है कारण। उत्तराखंड में अभ्यर्थियों के आरक्षण से जुड़े प्रमाण पत्रों की जाँच होगी, शिक्षा विभाग में चयनित अभ्यर्थियों का चयन भी रद्द किया जाएगा। उत्तराखंड में गौवंश को सड़कों पर छोड़ने वालों को होगी जेल, भरना होगा 10,000 तक का जुर्माना। गौवंशों को सड़कों पर छोड़ने वालों के खिलाफ लिया जाएगा एक्शन, जुर्माने के साथ जेल भी जाना पड़ सकता है। देहरादून पुलिस ने 300 किलो सिंथेटिक मावा पकड़ा, सैंपल लेने के बाद किया नष्ट। मिलावटखोरों के खिलाफ देहरादून पुलिस का बड़ा एक्शन, 300 किलो सिंथेटिक मावा को किया नष्ट। त्योहारी सीजन में पुलिस की चुनौतियां डबल होती जा रही हैं। एक तरफ जहां पुलिस को शहर में ट्रैफिक जाम से निपटना है, तो वहीं दूसरी तरफ अपराधियों और मिलावटखोरों पर नजर रखनी पड़ती है। राजधानी देहरादून में पुलिस ने रविवार देर रात करीब 300 किलो सिंथेटिक मावा पकड़ा, जिसे मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। भ्रष्टाचार के खिलाफ सतर्कता जागरूकता सप्ताह शुरू, विजिलेंस की मजबूती के लिए गठित होगी विशेषज्ञों की टीम। भ्रष्टाचार के खिलाफ सतर्कता जागरूकता सप्ताह का सीएम धामी ने किया उद्घाटन, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने किए बाबा केदार के दर्शन, दुष्यंत गौतम और महेंद्र भट्ट ने भी लिया भोलेनाथ का आशीर्वाद। पौड़ी में अंग्रेजों के जमाने के 94 पटवारी और कानून को चौकियां जर्जर, लोग हलकान। दिवाली के दिन दुल्हन की तरह सजा टिहरी बाजार, उमड़ने लगी लोगों की भीड़। टिहरी में दीपावली पर्व की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, वहीं प्रशासन ने दीपावली को खास बनाने के लिए लाइटिंग की व्यवस्था की है। वन और वन्य जीव तस्करों पर नकल कसने की तैयारी, वन कर्मियों को दी जानकारी। उत्तराखंड में वन्य जीव तस्करी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जिसको देखते हुए पौड़ी में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। जूनियर और सीनियर छात्रों में जमकर हुई मारपीट, प्रदर्शन के बाद अनुशासन समिति को सौंपी जांच। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के सीनियर और जूनियर छात्रों में मारपीट हो गई, घटना के बाद सीनियर छात्रों ने प्रदर्शन किया। विंडीज कारों के दीदार के लिए उमड़ी लोगों की भीड़, भक्तदार ने भी सेल्फी लेने से नहीं चूके। पिथौरागढ़ से फरार दो सगे भाइयों को एसटीएफ ने दिल्ली से किया गिरफ्तार, की थी करोड़ों की ठगी। दोनों पर 25 से 30 करोड़ रुपए की ठगी का आरोप है। वह 3 सालों से गिरफ्तारी से बचने के लिए अलग अलग राज्यों में नाम व पहचान छिपाकर अपनी मां के साथ रह रहे थे। प्रदेश में पर्यावरण मित्रों को मिलने वाली बीमा राशि में हुआ इजाफा, अब तो के बजाय मिलेंगे 5 लाख। पुलिस ने निकाला फिर फ्लैग मार्च, मामले में आज हो सकती है कुछ अन्य की गिरफ्तारी। मस्जिद विवाद के बाद भले उत्तरकाशी में फिलहाल शांति का माहौल हो, लेकिन फिर भी पुलिस किसी भी स्तर पर चूक नहीं करना चाहती है, लिहाजा पुलिस सतर्कता बरत रही है। नशे में थार सवार सैन्य कर्मी और दोस्तों ने काटा हंगामा, अर्धनग्न होकर राहगीरों से की मारपीट। एक फौजी और उसके 3 मित्रों ने शराब पीकर शनिवार रात शहर और फिर जोलीकोट में जमकर हंगामा किया। अपनी नई थार गाड़ी कालाडूंगी चौराहे पर खड़ी करके पहले ऑटो चालक और बाइक सवार एक युवक को पीटा।
कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत ने किया नामांकन, रोड शो के साथ ही जनसभा का आयोजन। केदारनाथ उपचुनाव में कांग्रेस ने मनोज रावत को प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतारा। कांग्रेस ने वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में उन्होंने अपना नामांकन किया। शिक्षक भर्ती में चयनित 70 से अधिक महिला अभ्यर्थियों का चयन होगा रद्द, नहीं मिल सकता आरक्षण का लाभ। उत्तराखंड में 2906 पदों पर शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। भर्ती में ऐसे द्विवर्षीय डीएलएड अभ्यर्थियों ने भी आवेदन किया जिनका विवाह अन्य राज्यों में से उत्तराखंड में हुआ है। दीपावली पर राजाजी टाइगर रिजर्व में अलर्ट, वन कर्मियों की छुट्टियां निरस्त, 24 घंटे हो रही गश्त। हरिद्वार का शहर और देहात का इलाका राजाजी टाइगर रिजर्व और हरिद्वार वन प्रभाग से लगा हुआ है, जिससे जंगल जानवरों का आबादी क्षेत्रों में आना जाना होता रहता है। दीपावली पर्व पर कोई उल्लू समेत जंगली जानवरों का शिकार ना कर ले, इसके लिए वन विभाग की ओर से अलर्ट घोषित कर दिया गया है। वन कर्मियों की छुट्टियां निरस्त कर 24 घंटे गश्त की जा रही है। जंगल के सीमावर्ती वाले क्षेत्रों में अधिक चौकसी बरती जा रही है।